हेलो दोस्तों, अक्षय कुमार की एक और फिल्म सरफरा का ट्रेलर आ चुका है। अक्षय की पिछली 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती आ रही है, सिर्फ ओ माय गॉड 2 को छोड़कर। अब ये इनकी 11वीं फिल्म है। अब सिर्फ देखना है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी। लगभग 2.5 मिनट का ये ट्रेलर कैसा है और फिल्म कैसे होने वाली है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपको बता दें, अक्षय कुमार की इस फिल्म की कहानी कैप्टन जी आर गोपीनाथ पर आधारित है, जो कि एक ट्रू बेस्ड इवेंट फिल्म है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये साउथ फिल्म सोनालाई पोटरू की रीमेक है, जिसमें सूर्य और अपर्णा बारमुल्ले जैसे बड़े बड़े साउथ स्टार ने एज अ लीड रोल प्ले किया था। तमिल फिल्म सोनालाई पोटरू पहले ही 5 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है। क्या सरफरा भी एक आध अवार्ड जीत पाएगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सरफरा को सुधा कोंगुरा ने डायरेक्ट किया है और इन्होंने ही सोनालाई पोटरू को डायरेक्ट किया था। अब देखिए, इन्होंने सोनालाई पोटरू को 5 नेशनल अवार्ड जिताए, क्या ये सरफरा को भी जिता पाएंगी? वो तो देखना भी बाकी है। एक और बात जो पब्लिक सरफरा के ट्रेलर को देखकर बोल रही है कि फिल्म चाहे कैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन ये बंदा कभी हार नहीं मानता, हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करता रहता है। देखिए, जिसने पहले ही सूर्य की सोनालाई पोटरू या फिर कहे उड़ान देख रखी है, उसे शायद ही सरफरा का ट्रेलर अच्छा लगा हो, क्योंकि वो पहले ही पूरी फिल्म देख चुका है और वो फिल्म की सारी स्टोरी जानता है। वैसे भी सरफरा में इन्होंने कोई ऐसी हाइप क्रिएट नहीं की है जिससे कि पब्लिक को लगे कि फिल्म के अंदर कुछ हटकर है, इसलिए थिएटर जाकर देखनी चाहिए। फिल्म मेकर फिल्म को अक्षय कुमार के नाम से चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिल्म उसकी स्टोरी टेलिंग के तरीके और उसके अंदर हाइप बनाकर रखनी पड़ती है, उसी से चलती है, जिससे कि ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और वो उतावली हो जाती है ये जानने के लिए कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। लेकिन सरफरा के ट्रेलर को देखकर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, और शायद ये अक्षय कुमार की 10वीं फ्लॉप मूवी साबित हो सकती है। लेकिन हाँ, जिसने सोनालाई पोटरू या फिर कहे उड़ान नहीं देखी, उसके लिए फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, अक्षय कुमार ने सरफरा के ट्रेलर के साथ कमबैक करने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी देखना बाकी रह गया है कि आगे क्या होना है। बाकी फिल्म 12 जुलाई 2024 को थिएटर में रिलीज कर दी जाएगी। फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ साथ परेश रावल, राधिका मदन, सीमा विश्वास और सूर्या का भी थोड़ा सा कैमियो देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पैसे भी कमेंट करने में कोई पैसे नहीं लगते। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।